अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनम्स किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास मेरी मज़ेदार और नई रेसिपीज़ आती रहें। इतने सारे पैन्स देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हम बेकिंग कर रहे हैं। मेरी नीस की बर्थडे आज, और वो मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही है एक मंथ से कि फूफो मेरी बर्थडे में आपने रेनबो केक बनाना है और उसके ऊपर डोल भी लगानी है। अब मेरी डोल की फरमाइश हो और उसकी पूरी ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलें आपको भी बनाना सिखाते हैं रेनबो डोल केक। रेनबो डोल केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं साथ साथ उसका बताती रहूँगी। इसके लिए 6 अंडे लिए हैं मैंने, 2 बाउल ले लें हम लोग। इसकी एग वाइट्स और एग योक को अलहदा अलहदा बीट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी एग वाइट अलहदा करूँगी। जब भी आप मार्केट से अंडे लाएँ उसको वॉश करके फ्रिज में रखिएगा। इसको 2 मिनट बीट करने के बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैंने इसमें लिया 1.5 कप। इसमें मैं ग्रेजुअली शुगर ऐड करूँगी। इसमें आप ऑलमोस्ट 1 कप शुगर ऐड कर दीजिएगा और 1/2 कप आप इसमें एग योक में ऐड करके इसको बीट करिएगा। वैसे आप अगर सिंपल एग योक भी बीट करना चाहते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं, मैंने सिंपल ही एग योक बीट की थी। शुगर ऐड करने के बाद हम इस स्टेज में इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर का ऐड करेंगे। मेरी एग वाइट्स अच्छे से बीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं एग योक को बीट करूंगी। आपने जब भी कोई भी पैन या कोई भी यूटेंसिल यूज़ करना है बेकिंग में, उसको हमेशा ड्राई यूज़ करते हैं, उसको वेट कभी भी यूज़ नहीं करना। अब मैं अपनी जर्दियों को बीट करूंगी। इसको ज़्यादा देर बीट नहीं करना, इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस हम बीट करेंगे। और मैं इसमें 1 टी स्पून वनीला एसेंस का ऐड करूँगी। मेरी एग योक्स अच्छे से बीट हो चुकी हैं, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये बहुत थिक नहीं होगी, इसका टेक्सचर इसी तरह का ही रनी होगा। अब जो एग वाइट मैंने शुगर के साथ बीट की, मैं उसको और एग योक को मिक्स कर लूँगी। इनको आपस में मिक्स करने के बाद मैं इसको बीटर से 1 मिनट के लिए बीट करूंगी ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बीटर से ये होगा कि ज़रा इजीली और जल्दी मिक्स हो जाएंगी। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 2 कप इसमें मैदा जाएगा। मैंने मैदे को 3 दफ़ा स्टीव कर लिया, आप भी इसको 2 से 3 दफ़ा स्टीव ज़रूर करिएगा, इससे कोई लम्स नहीं आएंगे और ये अच्छे से राइस होगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे और बहुत हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है और ग्रेजुअली इसको ऐड करना है। इसको ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना वरना हमारा बैटर बैठ जाएगा। अच्छा, इधर मैं आपको एक और टिप देती हूँ। मेरी मैम ने बताई थी हमें ये कि जब भी आप केक के बैटर को बीट कर रहे हों तो ट्राई करें उसे एक ही डायरेक्शन में बीट करें, ऐसे आपका केक फ्लफ़ी बनता है, बैठता नहीं है। और उसकी ओवर मिक्सिंग कभी मत करें वरना आपका केक बैठ जाएगा। इस केक की मज़े की बात यह है कि इसके स्पॉन्ज में ऑयल नहीं जाता, तो ये बड़ा सॉफ्ट और बड़ा लाइट मॉइस्ट सा केक बनता है। बैटर मेरा अब रेडी है, मैंने इसका वेट कर लिया। अब मैं इस सारे बैटर को इक्वली 5 कलर्स में डिवाइड करूंगी। मेरे पास जो कलर्स अवेलेबल थे मैं उन कलर्स का बना रही हूँ, आपके पास जो कलर्स अवेलेबल हों आप उसका बना लीजिएगा। बैटर इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया, अब मैं इसमें कलर्स ऐड करूंगी। मेरे पास पिंक कलर है, ऑरेंज है, ग्रीन है और ब्लू है। और चॉकलेट के लिए मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था तो मैं उसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर का ऐड करूंगी। कोको पाउडर लेकिन आप स्टीव करके डालिएगा अगर आपने कोको पाउडर ऐड करना है। अगर आपको ब्राउन कलर मिल जाता है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो कोको पाउडर तो पड़ा ही होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सारे कलर्स मेरे ऐड हो चुके हैं। मैंने इनके लिए 6 इंचेस वाले मोड लिए हैं, 2 मेरे नेबर से मैंने ले लिए थे, अल्लाह से नेबर सबको दे।
दो मैंने उनसे ले लिए थे, तीन मेरे पास 6 इंचेस के थे और दो मेरे पास 6.5 इंचेस के थे, तो वो मैं कटिंग में एडजस्ट कर लूँगी, कटिंग में हम इक्वल साइज़ कर लेंगे इनका। पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा लिया था। सारे बैटर अपने अपने पैन में चले गए हैं, अब मैं इनको बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। ओवन का टेम्परेचर अगेन हर किसी का डिफरेंट होता है, मैं इसको 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूँगी। केक मेरे बेक हो चुके हैं, बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट बेक हुए हैं। अब मैं आपके सामने ही इसको निकालूँगी पैन में, ईजिली निकल भी आए हैं। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम व्हिपी क्रीम ली है, आप कोई भी व्हिपी क्रीम ले सकते हैं और क्रीम की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स ली है। क्रीम को हम इतना बीट करेंगे ये कि फ्लफ़ी हो जाए, इससे डबल क्वांटिटी में हो जाए। ये ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स लेगी। क्रीम आपने चिल्ड लेनी है, उसे ये अच्छी तरह बीट होगी। और कोशिश करिएगा कि इसको बीट करने के बाद आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि आपकी फ्रॉस्टिंग अच्छी से हो जाए। क्रीम मेरी बीट हो चुकी है, अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल के केक की लेयरिंग करूँगी। पाइपिंग बैग में डालने से लेयरिंग थोड़ी इजी हो जाती है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप एक कप में पाइपिंग बैग डालें और उसमें क्रीम आप ऐड कर दें। क्रीम को इस तरह डालने से ना हाथ गंदे होते हैं, ना कहीं वो गिरती है और बहुत इजीली पाइपिंग बैग के अंदर चली जाती है। पाइपिंग बैग आप लोग लेके रख लें अगर आपके पास नहीं है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत सी चीज़ों में ये काम आती है। मैं अपनी इसमें हाफ क्रीम ऐड कर लूँगी और उससे मैं केक के अंदर लेयरिंग करूँगी। अब मैं केक पे शुगर सिरप ऐड करूँगी। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर का ऐड किया और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड किया। वनीला एसेंस आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। केक पे ये शुगर सिरप लग से बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है केक, आप चाहें तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको दूध भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क पड़ा है तो कंडेंस मिल्क पानी में मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। अब मैं केक को इक्वली कट कर लूँगी, मेरा जो पैन साइज़ बड़ा था उस केक के साइज़ को मैं दूसरे केक के साइज़ के साथ एडजस्ट करके बाकी साइड से सारी रिमूव कर दूँगी। साइड जिसकी वेस्ट नहीं होती, आप डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे ही इसको खा भी सकते हैं और आप इसके केक पॉप्स भी बना सकते हैं। केक पॉप्स की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। केक मैंने इक्वल कर लिए हैं, अब मैं इस पे शुगर सिरप ऐड करूँगी। शुगर सिरप आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह ये ब्रश है तो आप ब्रश से भी इसको कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल साइड पे इसका ब्रश करूँगी शुगर सिरप का, जब मैं केक की लेयरिंग करूँगी तो मैं सेकेंड साइड पे भी शुगर सिरप ऐड कर दूँगी। मेरे पास केक स्टैंड नहीं था तो मैंने एक इस तरह का बाउल लिया है, आपके पास घर पे हो तो आप भी इसी तरह का बाउल ले लें, उसके ऊपर आप ये केक की बेस रखें और इसके ऊपर हम अपना केक स्टार्ट करेंगे। अगर तो आपके पास केक स्टैंड है तो बेस्ट है, नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है कि केक स्टैंड नहीं है तो हम केक नहीं बना सकते। थोड़ी सी क्रीम हम बेस पर लगाएँगे ताकि हमारा केक स्टिक रहे। मैंने जिस साइड पे पहले शुगर सिरप लगाया था उस साइड को मैं नीचे वाली साइड पे रखूँगी और ऊपर वाली साइड पे मैं दोबारा से शुगर सिरप ऐड करूँगी। हर लेयर में मैं यही स्टेप दोबारा से फॉलो करूँगी। शुगर सिरप लगाने के बाद मैं इसमें एक लेयर क्रीम की ऐड करूँगी और यही स्टेप मैं अपने सारे केक्स में फॉलो करूँगी। मेरी 4 लेयर्स हो गई हैं, लास्ट लेयर मैंने भी बचा लिया है क्योंकि मेरी डॉल ने फरमाइश की थी कि मुझे डॉल लगा के दें आप इस पर, तो मेरे पास अब डॉल
डॉल तो नहीं थी दूसरी, इन केक्स पे लगाने के लिए एक डॉल मिलती है जिसके नीचे रोड लगी होती है ताकि हमारा केक भी वेस्ट ना हो और डॉल भी इजी लग जाए। अब मेरे पास वो डॉल नहीं थी और ना मेरे पास टाइम था कि मैं बाहर से जाके लूँ। अब मैंने इसी केक में डॉल एडजस्ट करनी है। केक को ज़ाया किए बगैर मैं एक छोटा सा राउंड कटर टाइप ले लें या कुछ भी आप ले लें जिससे आप केक को कट कर सकें, सेंटर में एक होल कर लें ताकि हम इसमें अपनी गुड़िया एडजस्ट कर सकें। मेरे केक का कट ये ज़्यादा बड़ा हो गया था मेरी डॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग। डॉल की मैंने टांगे उतार ली हैं और इसको रैपिंग शीट से रैप कर लिया था ताकि ये गंदी भी ना हो और बाद में हम लोग इसको यूज़ भी कर सकें। जो मेरा एक्स्ट्रा केक था मैं वो डॉल के साइड्स पर एडजस्ट करके इसको फिक्स करूँगी ताकि मेरी डॉल गिरे भी ना और केक भी ज़ाया ना हो। डॉल मेरी एडजस्ट हो गई थी लेकिन अभी मैंने इसको उतारा है ताकि मैं पहले बाहर की इसकी फ्रॉस्टिंग कर लूं, फिर मैं इसके बाद डॉल लगा के इसको कंप्लीट कर लूं। एज इन ये मेरा रेनबो केक है तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग, इसके फ्लावर्स भी डिफरेंट कलर के बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको एक ही कलर में कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिफरेंट कलर में भी कर सकते हैं। मैंने जो कलर्स अपने बेस में यूज़ किए थे वही कलर मैं क्रीम में ऐड करूंगी। क्रीम मैंने थोड़ी थोड़ी इक्वली डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स में। केक को मैंने थोड़ी देर फ्रिज पर रख दिया था ताकि मेरी क्रीम अच्छी तरह उस पर एडजस्ट हो जाए और जो मैंने क्रीम में कलर्स ऐड किए थे फ्रॉस्टिंग के लिए वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिए हैं। 4 डिफरेंट पाइपिंग बैग्स ले लिए थे मैंने। इसकी फ्रॉस्टिंग आप अपनी चॉइस की नोजल्स से भी कर सकते हैं। मेरे पास जो जो नोजल्स अवेलेबल थी मैं उससे इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। मेरे केक की फ्रॉस्टिंग हो चुकी है, मेरा डॉल रेनबो केक रेडी है। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना होगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा, और अगर इसके अलावा आप मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।